गौहर शाही मरहबा गौहर शाही सरकार की आमद मुर्शिद की आमद चेहरा नूरानी मरहबा जुल्फे मस्तानी मरहबा या मरहबा गौहर शाही मरहबा तो फैज सवाब किसको जनाब गौस पाक को और ये इल्म ज़ाहिर और इल्म बातन एक को शरीयत बोलते हैं एक को तरीकत बोलते हैं शरीयत तरीकत दोनों दीन इस्लाम के पर हैं दो पर हैं लोग एक पर से उड़ना चाहते हैं एक पर से कभी परवाज नहीं कर सकेंगे अल्लाह अल्लाह करने वाले अगर शरीयत में नहीं तो वहीं फड़फड़ा रहे हैं अगर शरीयत वाले अल्लाह अल्लाह में नहीं तो वो वहीं फड़फड़ा रहे हैं इनके बगैर नमाजें भी को नहीं एक हदीस शरीफ है कि ला सलाता इल्ला बिहुजूर कलब दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती हमारे अक्सर आलम कहते हैं कि ये किसी का कौल है कुछ कहते हैं कि नहीं ये ज़ईफ हदीस है सगी सुल्तान बो रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये एक मुस्नद हदीस है 40 हदीसें उन्होंने मुस्नद करार दी और इसको भी उसमें शामिल किया इसका मतलब है कि दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती लोग कहते हैं हम दिल से ही तो नमाज पढ़ते हैं सर्दी में जाते हैं गर्मी में जाते हैं दिल से नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि तुम्हें उस दिल की खबर नहीं जिसके लिए ला सलाता इल्ला बिहुजूर कलब है आपने देखा होगा आपका कुछ साथी या हमसाया 20-25 साल आपके साथ गर्मी सर्दी में मस्जिद में जाता रहा दिल से ही जाता रहा ना 20-25 साल के बाद पता चला कि वो गैर मकल्लद हो गया ऐसे होंगे कई होंगे अगर उसकी एक नमाज भी कबूल होती तो वो गैर मकल्लद क्यों होता इसका मतलब है उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं हुई तब वो गैर मकल्लद हुआ क्योंकि वो दिल की हाजिरी के बगैर नमाजें पढ़ता था और तुम भी दिल की हाजिरी के बगैर नमाजें पढ़ रहे हो अगर वो 20-25 साल के बाद हो गया तो क्या भेद है तुम 30-40 साल के बाद हो जाओ तुम्हारी तरह था ना अल्लाह ताला ने हजूर पाक को फरमाया कुल हो वल्लाह वाहद कह दीजिए अल्लाह एक है आपने आमीन कहा आपने लोगों को कहा कह दो अल्लाह एक है जिन्होंने आमीन कहा मुसलमान हुए जिन्होंने नहीं माना मुनाफिक जिन्होंने नहीं माना काफर जिन्होंने हिलोजत करी वो मुनाफिक अब मुसलमान किसको कहता है कह दे अल्लाह एक है जब भी नमाज में खड़े होते हो कहते कह दे अल्लाह किस तुम तो जानते हो फिर किसको कहते हो कह दे अल्लाह एक है तुम अपने दिल को कहते हो कह दे अल्लाह एक है वो जवाब देता है घर में आटा ही कोनी हिलोजत करता है ना फिर कहते हो अल्लाह उस्समत अल्लाह बेनियाज है वो कहता है नहीं बीवी बीमार है हिलोजत करता है मानते नहीं फिर कहते हो लामिया लेद वो लामी उलद दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए चल काफरों की जबान इकरार नहीं करती मुनाफों के दिल तस्दीक नहीं करते और फासकों के जिस्म अमल नहीं करते बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था तो मुनाफिक दिल की नमाज कैसे होगी लगा रहे सारी उम्र इस नमाज को सूरत बोलते हैं इस नमाज के लिए कुरान मजीद फरमाता है उन नमाजियों के लिए तबाही है जो नमाज हकीकत से बेखबर हैं उनकी नमाज दिखावा है दिखावा कैसे ये नमाज बड़े खुशू खुजू से मस्जिद में खड़ा है नमाज पढ़ रहा है लोग देख रहे हैं नमाज पढ़ रहा है अल्लाह ताला फरमाता है ना आमलों को देखता हूं ना शक्लों को ना तेरी दाढ़ी को देखता हूं ना तेरे सजदे को मैं तेरे कलब और नियत को देखता हूं जिसको अल्लाह देखता है उसमें बीवी बच्चे और कारोबार जिसको दुनिया देखती है उसमें अटेंशन करा हुआ है यह नमाज दिखावा है और यह नमाज तबाही भी है
कौन मीत फरमाता, दुबई भी है। दुबई कैसे है? नमाज पढ़ी तो तकबर आया ना, उसको निकालने वाली चीज ही कोई। लोगों ने कहा पांच वक्त का नमाजी है और तकबर आया, और किसी ने कहा तहज्जुद भी पढ़ता है और तकबर आया। एक दिन बे नमाजी को देखा, बड़ी अकारत से देखा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। यह नहीं पता कि तकबर इज़ा ज़ील रा ख्वार कर, नमाजें वो भी पढ़ता था। तकबर ने उसको ख्वार किया ना। एक हदीस में कि जिस सीने में जरा भी कुबर और बुखल है वो जन्नत के काबुल ही नहीं है, और उसका सीना तो कुबर बुखल से भर गया। जब सीना कुबर बुखल से भर गया, अब सोचने लगा मेरा जैसा आदमी इस दुनिया में तो कोई नजर नहीं आता। हज़ूर पाक को लोग कहते हैं सारी सुनते अपनाओ, उसने सारी सुनते अपना ली। फिर सोचने लगा अब मुझ में तो हज़ूर पाक में क्या फर्क रहा, वो भी तो मेरी तरह बशरी है। जब यहां तक पहुंचा उसका ईमान भी चला गया, वो नमाजें उसको दुबई की तरफ ले गए। ये नमाज सूरत है। इसके बाद फिर नमाज हकीकत शुरू होती है। नमाज हकीकत के लिए मजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं आम लोगों की नमाज सूरत, आसान खुदा की नमाज हकीकत। आप फरमाते हैं हर आदमी को चाहिए, मकतूबात शरीफ में लिखते हैं हर आदमी को चाहिए कि नमाज हकीकत की तलाश करे। नमाज हकीकत के लिए तुम्हारे कुछ पहले अरकान हैं जिनको तुमने फरामोश कर दिया। तुम्हारे कुरान मजीद की पहली तरतीब पहला लफ्ज अलफ अल्लाह ही है, अलफ अल्लाह ही है। तुम्हारा पहला रुकन, इस्लाम का पहला रुकन कलमा है, और कलमा तैयब हदीस शरीफ अफजल जिक्र, कलमा तैयब जिक्र में है। और जिक्र के लिए हुक्म उठते बैठते अत्ता करवटें लेते मेरा जिक्र करो। तुम्हारी सबसे पहली जो सुन्नत है हजूर पाक की वो गारे हरा है। तो गारे हरा में आप क्या करते जाते, सो तो नहीं जाते थे, वहां अल्लाह का जिक्र करते। तुम्हारी पहली मुसलमानी अल्लाह का जिक्र है। नमाजें तो कई साल के बाद नाजिल हुई, मुसलमान हो गए थे, ये तो शबे मेराज में कई साल बाद उतरी। उससे पहले मुसलमान क्या करते थे? हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते थे, हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते। जिक्र अल्लाह ही से उनके सीने मुनव्वर हो गए। जब सीने मुनव्वर हो गए उस वक्त में नमाजें उतरी, फिर वो नमाजें अल्पों में नहीं रही, वो सीधे सीनों में गई। नमाज हकीकत के लिए तुम्हें सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सीखनी होगी, दिल की धड़कनों को अल्लाह अल्लाह में बसाना होगा। फिर तुम कोशिश करोगे काम काज करता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे। इसको बोलते हैं दस्तकार में दिल यार में, कामयाबी हो जाएगी। फिर कोशिश करोगे कोई अखबार साला पढ़ता रहूं, अल्लाह अल्लाह होती रहे, पांच दस दिन में कामयाबी हो जाएगी। अखबार साला भी पढ़ोगे अल्लाह अल्लाह भी होती रहेगी। फिर कोशिश करोगे नमाज पढ़ता रहूं और अल्लाह अल्लाह होती रहेगी। उस वक्त जुबान कहेगी कह दे अल्लाह एक है, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जुबान कहेगी अल्लाह उस्मत, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। लामिया लिद व लामी उलद, दिल कहेगा अल्लाह अल्लाह। जुबान इकरार कर रही है, दिल तस्दीक कर रहा है, और जिस्म अमल कर रहा है। जुबान जिक्र मुफस्सल में और दिल जिक्र मजम्मल में। जुबान दलील से मनवा रही है कि कह दे अल्लाह एक है, दिल बगैर दलील के मान रहा है कि अल्लाह ही अल्लाह। जुबान का तसरफ है, अमरीका से बोलते हैं यहां सुनते हो, ये जुबान का कमाल है, और उस दिल का कमाल है यहां गूंजता है अरशे मौला वाले सुनते हैं। तुम्हारी इस नमाज को ये दिल अरशे मौला में पहुंचाएगा, वो नमाज मोमन का मेराज है। इसके बाद फिर वली की नमाज शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं नमाज इश्क। एक दफा मजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह मस्जिद में गए, देखा एक आदमी सो रहा है, सोचा शायद नमाज पढ़ के सोया होगा। फिर गए, सो रहा है। आप असर से मगरब तक मस्जिद में रहते, मगरब की आजान हो रही है और वो सो रहा है। आप फौरन उठे, बरहम हुए, जगाया, उठ या नमाज पढ़ या मस्जिद से निकल जाओ। फौरन उठा, वजू किया, जमात खड़ी होने वाली थी, बुलंद आवाज से कहा इमाम साहब रुक जाए। इमाम साहब रुक गए। उसने नीति दौर का सुन्नत वक्त फजर, देखते हैं फजर का समा हो गया।
फिर उसने जोर की नमाज पढ़ी, फिर जोर का समा हो गया और जमात वाले देखते ही रह गए। फिर उसने असर की नमाज पढ़ी, रावी लिखता है सूरज वापस लौट आया। उस वक्त उसने कहा, मजदद साहब आप तो साबे नजर थे, बेहतर था मुझे जगाने से पहले मेरा हाल देखते, मैं तो उसी के पास था जिसकी तुम नमाजें पढ़ते हो।